शिक्षक दिवस पर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने एक अनूठी पहल की। कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने अलवर शहर में सबसे बुजुर्ग सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके घर जाकर फूलमाला व शॉल उड़ाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। ऐसा सम्मान पाकर मानो शिक्षकों की आंखें नम हो गई। इस दौरान सम्मानित शिक्षकों ने अपने अनुभवों को जिला कलेक्टर के साथ शेयर किया। शिक्षकों ने वर्तमान व अपने समय के अध्ययन के तरीके, सामग्री, व्यवहार और शिक्षा के प्रति सोच व बदलावों पर खुलकर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी से चर्चा की। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी के भाव देखे गए। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर आज शहर के मनुमार्ग नयाबास रहने वाले बुजुर्ग शिक्षक शीला गुप्ता, सत्यपाल आर्य व मनोहर लाल के पास आए हैं, उनके अनुभवों को शेयर करा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है। शिक्षक बालक के भविष्य को गढ़ता है, समाज को एक नई दिशा देता है। शिक्षक समाज के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप योगदान करते हैं। समाज के उत्थान में विशेष सहभागिता प्रदान करते हैं। दिवस पर मैं तमाम शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यापन से, आपके शिक्षण कार्य से बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं वो उन बच्चों को निश्चित तौर पे परिष्कृत करेंगे और समाज का एक सुसभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बनाएंगे। केवल शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो एक अनगढ़ व्यक्ति को बदलता है, उसमें अभिव्यक्ति कौशल लाता है, उसको पढ़ना, लिखना, सीखना, बोलना सिखाता है। हम में से सारे लोग, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, या किसी भी पद पर, किसी भी कार्यक्षेत्र में, किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी गुरु के संस्कार और उसकी शिक्षण का नतीजा है। मैं तमाम गुरुजनों को चरण वंदन करते हुए उन्हें, समूचे शिक्षा जगत को और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो शिक्षा के माध्यम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी की जिंदगी संवार रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, किस तरह की शिक्षकों के प्रति मुहिम चलाई है जो आज आप सम्मान? आज हम कोशिश ये किया है कि जितने भी हमारे उपखंड हैं वहाँ पे और जिला स्तर पर हम सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए जो भी वयोश्रेष्ठ, यानी जो सबसे बुजुर्ग वार जीवित शिक्षक हैं, उनके घर जाएं। तो प्रतीकात्मक तौर पे आज हम दो घरों में गए हैं। अभी मैं जब इनके विचार जान रहा था तो 90 वर्ष से ऊपर की आयु को प्राप्त ये सेवानिवृत्त शिक्षक जब अपनी बात कह रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि वो अपने अतीत के दिनों को जिंदा कर रहे थे। वो कितनी आसानी से, सहजता से याद कर रहे थे कि मैं 1951 में उस स्कूल में था, मैं 1960 में उस स्कूल में था, उस वक्त ऐसे बच्चे थे, हम ऐसे पढ़ाते थे। अगर हमारे आने से गुरुजनों को पुराने दिनों की जो यादें हैं वो ताज़ा हुई, उनको जरा सा भी सुकून मिला, तो हमारे इस प्रयास को मैं सफल मानूंगा। और मैं यह इसलिए भी करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि हम सारे लोग किसी न किसी शिक्षक की बदौलत किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। मैं एक बार फिर से मेरी बात को समाप्त करने से पहले समस्त गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं।